मानव अधिकार सीमित या असीमित, सीमित या असीमित। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो भूमिका है, एक तो भूमिका पहले लिखना पड़ेगा, फिर इसका जो है एक विवेचन करना है। तो ये जो विवेचन करना है, इसमें पहले हम लोग को लिखना है कि सीमित कैसे है, सीमित कैसे है, और फिर असीमित कैसे है, असीमित कैसे है, फिर इसका हम लोग को एक मूल्यांकन लिख देना। आया क्वेश्चन कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है, या इस तरह से आया है ना क्वेश्चन, वही वाला तो क्वेश्चन है। हाँ, सार्वभौमिक अवधारणा हो सकती है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सार्वभौमिक है या नहीं है। तो पहले आप सार्वभौमिक लिखेंगे, फिर सार्वभौमिक नहीं है उसको लेकर मूल्यांकन कर देंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, भूमिका तो आप लोग लिख लेंगे, भूमिका में हमको नहीं बताना है। भूमिका में करना क्या है कि मानव अधिकार का अर्थ लिख देना है, मानव अधिकार का अर्थ लिख देना है, और फिर इसी में प्रश्न को जोड़ देना है। प्रश्न को जोड़ना, तो मानव अधिकार का अर्थ लिख देना है, फिर प्रश्न को जोड़ देना है। जैसे उस दिन बताया था कि मानव अधिकार क्या होता है, तो दो लाइन जो समझ में आया कि मानव होने की शर्त है, यह मानव के लिए परिस्थिति उपलब्ध कराता है, विश्व में जो है धर्म जाति भाषा का भेदभाव किए बिना जो है सभी लोगों को यह उपलब्ध होना चाहिए, दो लाइन लिख दिए। अब फिर तुरंत प्रश्न को जोड़ दीजिए कि जो है मानव अधिकार की अवधारणा जो है वो देखा जाए तो कुछ विचारक इसको सीमित मानते हैं, और कुछ विचारक अपने तर्कों के माध्यम से असीमित मानते हैं, इस तरह का विवाद दिखाई देता है। लिख देंगे ना, भूमिका हो गया ना। अब इसको ए बना लीजिए, इसको बी बना लीजिए। अब ए का उत्तर मैं लिखवाता हूं, बल्कि तीन चार लाइन जगह छोड़ दीजिए, घर पे लिख डालिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। कुछ विचारक मानते हैं कि सीमित है, और कुछ मानते हैं कि असीमित है, यह विवाद का विषय है। बस, क्योंकि मेन तो नंबर इस पर मिलना है ना। कोई विचारक का नाम है, विचारकों का कुछ समूह। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। अब जैसे देखिए, जीएस में भी आता है, ये आप लोगों के मानव अधिकार ह्यूमन राइट जीएस में भी आता है। जीएस में आप लोगों को उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा, जितना हम लोग मानव अधिकार पढ़ेंगे उतना जीएस में हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है कोई पढ़ाए। इसलिए बोलता हूं कि आप लोगों को जीएस में भी खूब काम करेगा। नेशनल मूवमेंट में पढ़ाता हूं, देखिए नेशनल मूवमेंट कोई पढ़ा होगा तो उसकी कॉपी में देखिएगा मैं पढ़ाया हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्यों हुआ, हेडिंग बनाया हूं, कारण लिखवाया हूं, वही क्वेश्चन आया है। अब भारत छोड़ो आंदोलन का क्या परिणाम निकला, तो मैं दो परिणाम लिखवाया हूं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, और वही क्वेश्चन जीएस में है। तो नेशनल मूवमेंट भी आपके सिलेबस में है, आंदोलन भी है, तो ये सब जीएस में काम भी करेगा। अब देखिए, जो सीमित मानने वाले विचारक हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर यदि मानव अधिकार को हम सीमित नहीं करेंगे तो अधिकार आपस में ही संघर्ष करना शुरू कर देंगे। कोई बात, रिकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। तो कुछ विचारक ये मानते हैं कि मानव अधिकार को यदि हम जो है सीमित नहीं मानेंगे तो अधिकार जो है आपस में ही संघर्ष करना शुरू कर देंगे, आपस में ही अंतर विरोध पैदा करना शुरू कर देंगे। जैसे लोग कहते हैं कि बताइए कि जीवन का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार है, एक तरफ जीवन का अधिकार है कि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए, और आपका भी जीवन का अधिकार है कि आपका जीवन सुरक्षित हो जाए। अब यहां पर मान लीजिए हमको यह लगता है कि हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होगा या सुरक्षित नहीं है, तो हम किसी व्यक्ति को गोली मार देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कोई पुलिस वाला ही है, तो पुलिस वाला क्या करेगा, आपको देखिए समझाएगा। आप मान लीजिए एक बार कट्टा से गोली चलाएंगे तो पुलिस वाला इधर उधर गोली चलाता नहीं है, फायरिंग करेगा। पहले नियम बनाया गया, पहले फायरिंग करेगा दो तीन राउंड जिससे आप डर जाएं,
अब नहीं आप डर रहे हैं, फिर दूसरी गोली आपने चला दिया, फिर आपके पैर में गोली मार देगा कि आपका जीवन समाप्त न होने पाए। अब फिर मान लीजिए फिर आप नहीं मान रहे हैं, तब तो फिर सीधा गोली मार देगा, क्योंकि उसको इतना राइट है कि कोर्ट में बताएगा कि हम अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए गोली चलाए थे, जानबूझकर नहीं। जैसे पार्लियामेंट जो चौराहा है उस पर राजपथ वाला, उस पर हो चुका है। राजपथ चौराहे पर क्या हुआ कि बाइकर्स, पढ़े होंगे आप लोग पेपर में, बाइकर्स आते थे 15-20 स्पीड से एकदम निकल जाते थे, और जो जिसकी ड्यूटी भोर में लगी थी 3-4 बजे रात में, वो हमेशा हाथ देता था, कोई रुकता ही नहीं था। अब पार्लियामेंट हाउस के आसपास मान लीजिए 15-20 लोग झुंड बना के चलेंगे, कोई खतरा हो जाएगा तो पुलिस वाले का नौकरी चला जाएगा। वो क्या किया कि पहले फायरिंग किया, रुकने का बोला, नहीं रुके लोग। दूसरे दिन फिर जो है यही काम किया, नहीं रुके लोग। तीसरे दिन जो है उसने क्या किया, सोचा कि एक लोगों के टायर में गोली मार देता हूं, पंचर हो जाएगी गाड़ी। अब गोली ऐसे लगाया, मारा, अब गोली मारा, तब तक वो लड़का झुक गया ऐसे बचने के लिए। अब झुका तो टायर में गोली नहीं लग के उसके सीने में गोली लग गई, वहीं मर गया। अब केस रहा तो बरी हो गया। उसने बताया कि हम क्या करें, हमारी नौकरी है, हमारी नौकरी है तो हमको तो अपनी नौकरी सुरक्षित भी रखनी है, हम इसीलिए यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जीवन का अधिकार और आत्मरक्षा का अधिकार दोनों को जो है असीमित मान लेंगे तो फिर जो है कैसे निभ पाएगा, एक दूसरे टकराना शुरू कर देंगे। अक्कल में समझाया था कि अधिकार के साथ कर्तव्य का भी आरोपण होता है, कि भाई आपको बोलने की आजादी है तो आप किसी की अवमानना न करें, आपको बोलने की आजादी है तो न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। और उस दिन भी समझाया था कि मान लीजिए अधिकार है आपका कि आप अधिकार है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि 8-10 घंटा पढ़ाई करिए। अधिकार है आपका कि आप स्वस्थ रहें, तो कर्तव्य बनता है कि सुबह उठकर 1 घंटा जरा सा टहलिए, घूमिए, योगा वोगा करिए। तो अधिकार और कर्तव्य के माध्यम से भी आपका अधिकार जो है सीमित हो जाता है। लिख दीजिए, कुछ विचारक मानते हैं कि मानव अधिकार सीमित है, कुछ विचारक मानते हैं कि मानव अधिकार सीमित है। उनके अनुसार अगर सीमित न किया जाए, तो अधिकार आपस में ही संघर्ष करेंगे। अवलिक अंतर्विरोध करेंगे। जैसे जीवन का अधिकार और आत्मरक्षा दोनों को असीमित मानने पर एक दूसरे से टकराएंगे, इसी तरह अधिकार पर कर्तव्य की सीमा आरोपित होती है मानव अधिकार को असीमित मानने पर कर्तव्य की उपेक्षा होगी व्यवहार में जीवन का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार असीमित मानने पर समस्त दंड व्यवस्था और मृत्युदंड की शक्ति पर
प्रश्न लग जाएगा, समस्त दंड व्यवस्था और मृत्युदंड की शक्ति पर प्रश्न लग जाएगा। समझ गए ना बात को कैसे, कि भाई जीवन का अधिकार आपका ठीक है, मान लिए मान लीजिए असीमित है, ये बताइए आप कुछ भी कर देंगे तो हम तो दंड ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप तो कहेंगे कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, हमारा जीवन का अधिकार है, तो मृत्युदंड तो अप्रासंगिक हो जाएगा ना भाई। किसी व्यक्ति मृत्युदंड का मतलब किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना, तब तो जीवन व्यक्ति जीवन का अधिकार असीमित दे देंगे, फिर मृत्युदंड का मतलब क्या रहा? वो व्यक्ति बोलेगा हमारा जीवन खत्म नहीं होना चाहिए, तो फिर भी कहा जाता है नहीं आपको जीवन जीने का अधिकार अब नहीं बचा है, हम आपका जीवन खत्म ही करेंगे। अब असीमित कैसे है, हड़ी बनाइए। देखिए कुछ विचारक जो है मानव अधिकार को असीमित मानते हैं, तो ये विचारक जो है मानव अधिकार को प्राकृतिक अधिकार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जान लॉक, तो लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की और लॉक ने कहा कि अधिकार जो है अप्रत्यक्षकरणीय है, अधिकार स्वयं से सत्य के रूप में है। तो ये विचारक जो है मानव अधिकार को ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक अधिकार के रूप में है और हम लोग प्रकृति द्वारा लेकर आए हुए हैं, जन्म द्वारा हम लोग लेकर आए हुए हैं, तो ऐसी दिशा में जो है उसको क्यों आप सीमित करेंगे, उसका उल्लंघन क्यों करेंगे। ये लोग तर्क देते हैं कि चूंकि मानव अधिकार मानव होने की शर्त है, अब मानव होने की शर्त है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसलिए मानव अधिकार को ये लोग असीमित मान देते हैं और कहते हैं कि इस पर परिसीमन नहीं हो सकता है, क्योंकि परिसीमन करने का मतलब कि मानव अधिकार को नष्ट करना, और इस तरह से ये लोग जो है असीमित स्वरूप में देखने का प्रयास करते हैं। लिख दीजिए, लॉक स्पेंसर, लॉक स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, लॉक स्पेंसर जैसे विचारक इसे असीमित मानते हैं। ये विचारक मानव अधिकार को प्राकृतिक अधिकार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये विचारक मानव अधिकार को प्राकृतिक अधिकार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लॉक ने माना कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। लॉक ने माना कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। लॉक ने माना कि प्राकृतिक अधिकार व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, अतः अनुल्लंघनीय अनुल्लंघनीय आवलिक असीमित स्वरूप रखता है। चूंकि मानव अधिकार मानव होने की शर्त है, चूंकि मानव अधिकार मानव होने की शर्त है, मानव होने की शर्त है, अतः इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, अतः इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इसका परिसीमन हो सकता है और नहीं इसका परिसीमन हो सकता है। अब इसका मूल्यांकन समझिए। देखिए मानव अधिकार का दोनों स्वरूप होता है, वो सीमित भी है और असीमित भी है, क्योंकि बताइए कुछ जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, कुछ जो आपका राइट है, जैसे खाना खाना है, जैसे कपड़े पहनना है, सोना है, इन सब चीजों में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये बताइए किसी को अंडा खाना है, किसी को मटन खाना है, खाने दीजिए मटन, आप क्यों परेशान है भाई? कोई मटन खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, तो आपको क्या दिक्कत आ गई? आपको चावल दाल खाने का मन करता आप चावल दाल खा लीजिए, आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहीं पर बैठ के सब जो है मटन और जो है मछली ताबड़तोड़ सब खींचते रहेंगे। भाई आपको पनीर खाना है तो पनीर ले लीजिए, तो एक बाल्टी में पनीर रहता है या दूसरी बाल्टी में मछली रहता है, जिसको जो खाना वो खा लीजिए, और सब लोग साथ ही खाते हैं बैठ के। यही बताइए अब वहां पर आप उल्टा इधर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना? अब कितने लोग मान लीजिए बोलना शुरू कर देते, नहीं नहीं तुम मछली खा रहे उधर चलो यार,
अरे कल के दिन सब लोग साथ ही नौकरी करेंगे, अब पहले ही वहीं से ही मन मुटाव शुरू कर दिए तो फिर आगे तो और घातक हो जाएगा ना मामला। हम ही लोग मान लीजिए रहते थे, कोई मटन खा रहे होंगे, खाओ यार तुम्हें जो खाना हो खाओ, मैं अपना चुपचाप दाल रोटी खा लूंगा, मुझे ये अच्छा लगता है। तो मान लीजिए अभी भी कहीं कोई पार्टी होती तो ऐसा तो है नहीं कि केवल चावल दाल ही बनेगा। अरे ठीक है, सब कुछ बनता है, जिसको जो खाना खाए। तो अब यहां पर कपड़ा पहनना है, आपको नीला पहनने का मन किया आपने नीला पहन लिया, इनको हरा पहनने का मन किया हरा पहन लिया, आपको पीला पहनने का मन किया पीला पहन लिया। अब इसमें हम टोका टिप्पणी करेंगे, नहीं नहीं पीला ठीक नहीं लग रहा, जानते हैं आपको नीला पहनना चाहिए। अरे भाई पीला पहनिए चाहे हरा पहनिए, जो मर्जी सो पहनिए, हमको मन किया हम सफेद शर्ट पहन ली, ये तो हम लोग की मर्जी है ना। अब कितने लोग ऐसे हैं कि मान लीजिए मंडे से लेकर सैटरडे, सैटरडे तक खूब काम करेंगे, संडे को 12 बजे तक सोएंगे। एक दिन आप लोग भी आराम किया करिए, इसीलिए संडे को हम लोग छुट्टी करते हैं, क्योंकि फ्रेश मूड से आप लोग भी मंडे से पढ़ेंगे, एकदम ताबड़तोड़ पढ़ते रहेंगे ना महीना दिन, तो फिर वो चीज नहीं आ पाएगा। एक दिन संडे को थोड़ा सा 2-4 घंटा थोड़ा घुमा उमा करिए, 2-4-5 घंटे मत किताब देखा करिए, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। इसलिए मैं संडे को ये सब काम नहीं करता हूँ, पढ़ाई लिखाई का काम बंद, सुबह से शाम तक खाना वाना बनाऊंगा खाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, जैपनीज पार्क जाऊंगा, फिल्म देखने चला जाऊंगा, यही सब काम करूंगा। ये बताइए, अरे घर पर ही बड़ी से टीवी लगा रखा, उसी में लगा के बैठ के देख लेता हूँ एक रूम में, कोई जरूरी है कि अब लेके सबको जाऊंगा? एक दो लोगों तो लेके चला जाऊं, 9 लोगों को बस वो बैठा के लेके जा रहा हूं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि इन सब मामलों में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये सब पहलू में बताया हूं उसमें तो असीमित चीजें हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो सार्वजनिक पहलू से संबंध रखने वाला मुद्दा है, उन अधिकारों में हस्तक्षेप जो है उचित है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, तो मैं हमारा सार्वजनिक कार्य है तो हम पढ़ाएंगे ना, तो हमारे ऊपर एक प्रतिबंध है कि नहीं हमको कोर्स पढ़ाना है। अब ये नहीं कि मैं 2-3 घंटा बात ही करता रह गया कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो ये हमारा सार्वजनिक कार्य है, यहां पर तो प्रतिबंध जरूरी हो जाता है। तो इसका मतलब कि मूल जो मानव अधिकार है, अभी सुबह सुबह जो है पढ़ते हैं ना यशवीर पढ़ते हैं, तो उनका कुछ काम उभरा होगा बागपत, तो ऐसे सुबह सुबह फोन किए, एक हमारे मित्र हैं सुभाष सिंह, वहीं पर बागपत में ADM है, तो साथ ही हम लोग ट्रेनिंग होने किए हैं, तो ऐसे सुबह सुबह फोन मिलाया, 7:30 बजे उनका फोन आया, यशवीर का तो फोन मिलाया, उनके प्रभु सोए हैं क्या? बोले नहीं सोए नहीं है, फाइल बना रहा था हम लोग के, एक हमारे स्टूडेंट हैं जाएंगे उनका काम कर दीजिए। बोले भेज दीजिए, घर ही भेज दीजिए, हम लोग ऑफिस में चले जाएंगे, कितने पहुंचे? बोले 10:30। हम लोग ठीक है करवा दीजिएगा काम। अब वो बेचारे अपना दुख बताने लगे, बोले क्या कर रहे थे हम? मैं तो बैठा ही हूं। बोले सुन लीजिए हमारा दुख, कौन घंटा बतियाते ही रह गए। अब मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रहा था, हम कह रहे हम लोग आ जाता हूँ एक दिन। बोले नहीं आप ऐसा है ना, किसी से कह नहीं सकते ना अपना दुख, दुख किससे कहा जाता है? मित्र दोस्त से, घर पे भी नहीं कह सकते, वही सब कहानी बता रहे थे, घर पे भी नहीं बोल सकता हूं। अब आप ही बचे तो संडे को आ जाता हूं सुबह सुबह, खाली रहिएगा कहीं मत जाइएगा, हम लोग आ जाइए संडे को। अब चक्कर क्या कि हम लोग एक ही साथ कमरे में पढ़े हुए हैं, तब एक ही साथ कमरे में बैठे पढ़ 3 साल तक साथ ही हॉस्टल में रहे, इलाहाबाद में TC हॉस्टल में मैं रहा हूं ना कुछ दिन, तो एक ही कमरे में हम लोग रहते थे, तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लगाव हो गया। तो अब मान लीजिए हम कहते हैं कि अब मैं कहूं कि नहीं नहीं अब आज ही आ जाइए, अरे हमको सार्वजनिक कार्य करने जाना, आपको भी ऑफिस जाना है, ऑफिस जाकर काम करिए, संडे को बैठा जाएगा दोनों लोग, और फिर दुखड़ा रोया जाएगा। तो आप देख रहे हैं मान लीजिए कि ये जो चीजें हैं कि सार्वजनिक कार्य में प्रतिबंध तो जरूरी है कि नहीं, वो काम होना चाहिए। भाई आप लोग 9:45 बजे पढ़ाता हूँ, मान लीजिए 10:30 से 15 मिनट, आप लोग को पता है कि चलो 9:45 शुरू होता है, पता नहीं मैं 11:30 बजे टहलते हुए आऊं, नहीं चलेगा ना मामला। मूल्यांकन लिख दीजिए, हाँ नकारात्मक उदारवादी, डार्विन का शिष्य, डार्विन का समकालीन, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तर जीविता,
का जो सिद्धांत है उसको हर्बर्ट स्पेंसर भी स्वीकार करता है। मूल्यांकन लिख दीजिए, मानव अधिकार वस्तुतः दोनों स्वरूप रखता है। मानव अधिकार वस्तुतः दोनों स्वरूप रखता है, सीमित भी है और असीमित भी, असीमित भी है और सीमित भी, असीमित भी है और सीमित भी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता डैश खाना पहनना सोना, खाना पहनना सोना आदि संदर्भों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आदि संदर्भों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सार्वजनिक हित के संबंध में, दूसरी ओर सार्वजनिक हित के संबंध में, सार्वजनिक हित के संबंध में, सार्वजनिक हित के संबंध में उचित प्रतिबंध आवश्यक है जिससे अनुशासन बना रहे, जिससे अनुशासन बना रहे। भाई कोई कितना घंटा सो रहा है, हमारे मान लीजिए संडे को हमारी मिसेज है बेचारी, संडे को 10 बजे 9 बजे हम कुछ नहीं डिस्टर्ब कर, सुबह चाय पियो कि हम अपना इधर उधर घूमने चले जाते हैं, ठीक है जब तक जिसको सोना हो सोइए, कोई बात नहीं, छुट्टी है तो सोइए भाई। एकदम जो है शाम कोई सैटरडे को बोलना शुरू कर दी, कल हम 10-11 बजे उठेंगे, हम तुम मत उठना, तुम शाम तक सो ही रह जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सुबह से खाना बनाना शुरू कर दूंगा, नमकीन पहले बनाऊंगा, पहले फिर कुछ बनाऊंगा, फिर मिठाई बनाऊंगा, उसी में मेरा समय कट जाता है, गुलाब जामुन भी बना लेता हूँ, सब बना लेता हूँ, इंटरेस्ट था शुरू से ही बनाने बनाने का, खाने का भी इंटरेस्ट रहा। अब ये प्रश्न जो आया था उसको करा दूं, मानव अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक, ऐसे बनाइए, सेम जैसे लिखे तो वैसे ही लिखना है ये भूमिका। फिर इसके बाद विवेचन, तो विवेचन में जो है सार्वभौमिक कैसे है और सापेक्षिक कैसे है, तो सार्वभौमिक कैसे है और सापेक्षिक कैसे है, फिर इसका मूल्यांकन अभी तो लिख लेंगे, भूमिका में कोई दिक्कत है नहीं, ये वाला पार्ट लिखवाता हूं कि कैसे सार्वभौमिक है। जो उदारवादी विचारक है मानते हैं कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक इसलिए है कि विश्व में जो है रंग नस्ल जाति धर्म इन सब चीजों में भेदभाव किए बिना जो है विश्व के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि जब मानव अधिकार मानव होने की शर्त है और बिना इसके मानवीय जीवन संभव ही नहीं है, तो ऐसी दिशा में जो है व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य अवधारणा है, बिना इसके जो है जैविक प्राणी से हम मानव बन ही नहीं सकते हैं। तो जिस तरह से शरीर से चमड़ा जुड़ा हुआ है उसी तरह से व्यक्ति से जो है मानव अधिकार जुड़ा हुआ है, तो चाहे वो अफ्रीका का मानव हो, चाहे खाड़ी देश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, सब लोगों को मानव अधिकार उपलब्ध होना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो विश्व के सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि विश्व के सभी लोग जो है मानव होने की श्रेणी में होते हैं, मानव होने की श्रेणी में है। तो ऐसी दिशा में जो है जो समृद्ध देश है उन समृद्ध देशों को गरीब देशों की सहायता करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं विश्व में मनुष्यों को जो है वो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। इस संदर्भ में ये विचारक ये मानते हैं कि मानव अधिकार वस्तुतः जो है किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश विशेष के संदर्भ में नहीं है, बल्कि मानव अधिकार जो है वैश्विक अवधारणा के रूप में है। यही क्वेश्चन पूछा था, कौन सा कठिन पूछा है, कौन सा कठिन लिखना है, अभी 27 को देखेंगे तो वैसे ही सब आया होगा। बस यही है कि सिलेबस के साथ ये सब विवेचन पढ़ना है, और रोज बोलता हूं सिलेबस पढ़ना है पूरा, भले 10 दिन ज्यादा लग जाएगा, वैसे 6.5 महीने ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन भले 10 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन सिलेबस में कुछ भी छोड़िएगा मत, पहला चीज ध्यान रखिए, दूसरा चीज सिलेबस को क्रम से पढ़ने का आदत डाल लीजिएगा, ऐसे जैसे बता जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक नंबर टॉपिक पढ़ाया, फिर 2 पढ़ाया, फिर 3 पढ़ाया, फिर 4 पढ़ाया, फिर 5 पढ़ा रहा हूँ, फिर 6 पढ़ाऊंगा, ऐसे। अब ये नहीं कि एक नंबर टॉपिक कठिन है तो बाद में पढ़ेंगे, नहीं, एकदम टीचर से आप लोग रिजिड होके बोला करिए, नहीं,
सर यहां से शुरू करिए, खत्म करिए पूरा, बीच में मत इधर उधर करिए, टीचर बुरा मानता है तो माने दीजिए। एक लाइन से पढ़े रहेंगे तो क्रम से नोट्स बन जाएगा, तो रिवीजन करने में सहूलियत होगा ना, नहीं तो पता चले कि कहीं मैं मानव अधिकार पढ़ा रहा हूँ, कहीं शक्ति पढ़ा रहा हूँ, पूरी कॉपी को फाड़ ओढ़ कर इधर उधर लगा रहे हैं फिर भी नहीं सेट हुआ। यही तो होता है, सेट ही नहीं होता है। जो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, जो ज्योग्राफी वाले लोग हैं, जो हिंदी वाले लोग हैं, बस एक बार बस ऐसे पूछ लीजिएगा कि आपका तो पूरा हो गया ना सब्जेक्ट, बस उसके बाद वो दुख अपना बताना शुरू कर देंगे तुरंत, बस कंप्लीट है? किसका? आपका 1.5 साल? चक्कर वही है, देखिए शुरू में भावना में बह के लोग पढ़ते हैं, जैसे है? भावना में बह के पढ़ रहे हैं ना लोग, जैसे मान लीजिए कोई इतने लोग है मार्केट मिल जाएंगे, कहाँ पढ़ रहे हैं, पीसीएस में सब्जेक्ट है नहीं, आईएएस में सब्जेक्ट है, हिंदी रख लीजिए सामान्य सा, हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी तो आप जानते भी हैं, हिंदी के जानकार है, हिंदी भाषी क्षेत्र से है, इधर उधर आपको सेट कर दिए। अब ये नहीं सोचेंगे कि आपका हिंदी पढ़ने का मन करता है कि नहीं, अरे हिंदी लिटरेचर पढ़ना है भैया, भोजपुरी गाना नहीं गाना है, हिंदी रख लिए, हिंदी लिटरेचर पढ़ना है ना, यहाँ हिंदी लिटरेचर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, केवल हिंदी में लिख रहे हैं हम लोग, तो हिंदी में लिखना और हिंदी लिटरेचर पढ़ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम तो ये हमेशा मानते हैं कि जो आपकी इच्छा हो, जैसे पूरा जीएस पढ़िए, पहले चुपचाप जीएस पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटिक्स, जो आपकी इच्छा अंदर से करे उसको पढ़िए। और दो चीज जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि टीचर पूरा सिलेबस आपका नहीं कराएगा, मतलब 200 टीचरों में 2 टीचर होंगे जो आपको पूरा सिलेबस करा देंगे, 198 टीचरों का यही हाल है। और ऐसा नहीं कि जो लोग ज्योग्राफी पढ़ाने वाले लोग हैं हमारे परम मित्र हैं, चाहे आलोक जी हों चाहे गौरव सर हों, सब लोग हमको जानते हैं, कभी मिलेंगे तो आप पूछ लीजिएगा, और सब लोग छोटे भाई की तरह हैं, कि जब मैं नौकरी करता था तो लोग तैयारी करते थे, मॉडल टाउन में रहता था तो हमेशा पार्टी चलती रहती थी, इन लोगों की आते रहते थे, चूंकि वही मित्रवत संबंध हो गया था। अभी लोग मान लीजिए मेन सोच देते थे, कमल देव हैं, वो भी आते रहते थे, भैया थोड़ा सा बता दीजिए कैसे लिखना उखना है, थोड़ा कॉपी चेक कर दीजिए, थोड़ा ऐसे बता दीजिए, तो थोड़ा सीनियर था मैं 3-4 साल 5 साल, तो सब लोग लगे रहते थे। अब मैं ये लोग जब पढ़ाना शुरू किए तो मैं यही बात बोला कि आप लोग पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए कि पूरा सिलेबस आप लोग पढ़े नहीं है, और आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे नहीं, तो लोग स्वीकार भी करते हैं हम लोग पूरा नहीं पढ़ाते हैं, 60% बस, जो हम लोग को अच्छा से आता है वही पहले पढ़ाते हैं, आपकी तरह 1, 2, 3, 4 नहीं करते हैं, अरे बल्कि मजाक भी उड़ाते हैं हमारा, बोलते हैं भैया देखिए आप 1, 2, 3, 4 करते हैं तो बच्चा कहाँ पढ़ता है, देखते तो हैं, बच्चों को पहले खिलाना सीखिए, हमको देख लीजिए। अब ये लोग उल्टा हमको बता रहे हैं, हम खिलाने के लिए आए हैं यहाँ, इसलिए बस पढ़ने के आए हैं, तो वो लोग सब परेशान है। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी में कोई कोई व्यक्ति होगा ज्योग्राफी का ना, तो उसको पूछिएगा बस, वो यही बोलेगा सेकंड पेपर तो ये लोग पढ़ाते ही नहीं है। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, सेकंड पेपर 15 दिन में और फर्स्ट पेपर 7 महीने, 15 दिन में सेकंड पेपर हो जाता है, क्यों? सेकंड पेपर अप्लाइड है, तो अप्लाइड है तो ऐसी दशा में अप्लाइड पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या तो फिर अपने पढ़े हों पूरा, तो वो दोनों समस्या आता है ना। ये बता रहा था, अब लिख दीजिए, उदारवादी विचारकों के अनुसार, उदारवादी विचारकों के अनुसार मानव अधिकार सार्वभौमिक है, मानव अधिकार सार्वभौमिक है, विश्व में रंग नस्ल धर्म आदि का भेदभाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए,
क्योंकि मानव अधिकार मानव होने की शर्त है, क्योंकि मानव अधिकार मानव होने की शर्त है, मानव होने की शर्त है। बिना इसके मानवीय जीवन संभव नहीं है, बिना इसके मानवीय जीवन संभव नहीं है। बिना इसके मानवीय जीवन संभव नहीं है। व्यक्तित्व विकास से जुड़ी अवधारणा है, व्यक्तित्व विकास से जुड़ी अवधारणा है। जिस तरह शरीर से चमड़ा जुड़ा है, जिस तरह शरीर से चमड़ा जुड़ा है, उसी तरह मानव अधिकार की स्थिति है। उसी तरह मानव अधिकार की स्थिति है। यह सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसी संदर्भ में सार्वभौमिक माना जाता है। इसी संदर्भ में सार्वभौमिक माना जाता है। अब सापेक्षिक कैसे है? रिलेटिव, रिलेटिव भाई ये तो यूनिवर्सल हो गया, ये रिलेटिव हो गया। रिलेटिव का मतलब कि जैसे कुछ देशों के लिए ज्यादा है, कुछ देशों के लिए दूसरे स्वरूप रखता है। सब जगह एक समान नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब सब जगह एक समान होना चाहिए, और यहां का मतलब हुआ कि क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। तो खासतौर से जो बहुसंस्कृतिवादी हैं या जो समुदायवादी विचारक आप लोगों को पढ़ाया था, तो बहुसंस्कृतिवादी और समुदायवादी विचारक जो है इसका समर्थन करते हैं। और ये लोग समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि प्रत्येक समुदाय का और प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग परिस्थिति है। हर समुदाय का, हर क्षेत्र का अलग अलग विशिष्ट जीवन शैली है। सामुदायिक पहचान की अलग लालसा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मानव अधिकार जो है एक समान कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए अमेरिका की परिस्थिति अलग है। अमेरिका में $10,000 पर मंथ प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, इससे कम जो प्राप्त करेगा वो गरीब कहा जाता है, उसको बीपीएल कहते हैं, बीपीएल उसको गरीब बोला जाता है। $10,000 से कम महीने में पाएगा तो। अब भारत में $10,000 का मतलब रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, 80 रुपया मान लिया, मान लीजिए 80 से ही गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 8 लाख हुआ ना, 8 लाख रुपये महीने। तो भारत है? अरे 80 से गुणा करेंगे तो 4 0 1 5 0, तो 5 0 पे लाख ही तो बनेगा मंथली। 8 लाख रुपया पर मंथ भारत में कोई व्यक्ति पाएगा तो उसको गरीब बोलेंगे? टैक्स तो देना ही पड़ेगा, आप गरीब बोलेंगे तो बोलेंगे देख लीजिए। ये बताइए, क्योंकि हम लोग की जीवन शैली अलग है ना, हम लोग का बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता थोड़ी ना है, हम लोग का जीवन कट रहा है बस, ऐसे समझिए। तो हम लोगों के लिए तो बहुत है, कोई 2 लाख रुपया आप ही लोग हैं, मान लीजिए आईएएस की सैलरी कितनी है, तो 2 लाख रुपये महीने उसी में देखिए मस्त है। कोई 1 लाख रुपया महीना पाके मस्त है, कोई 20,000 रुपये पाके मस्त है, कोई 10,000 रुपये पाके मस्त है। हम लोग के कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आप देख रहे हैं परिस्थिति अलग अलग हो गया ना। तब मान लीजिए एक तरह का सुविधा कैसे सबको दिया जा सकता है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है, इन लोगों ने और भी तर्क दिया। ये बोला कि आप लोग कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट जो है सब जगह एक समान लागू कर दीजिए। ये बताइए, समाज में स्त्री पुरुष को ही लीजिए, महिलाओं की विशेष स्थिति है, तो महिलाओं की विशेष स्थिति है तो उसको कुछ विशेष अधिकार देना पड़ता है, और वही अधिकार पुरुषों को देना कहां तर्कसंगत है? मान लीजिए महिलाओं को मैटरनिटी लीव आपने दे दिया, अभी बढ़ा दिया गया ना, कितने सप्ताह कर दिया गया,
एक साल डेढ़ साल हुआ, दो साल मेटर्निटी लीव जो है 22 सप्ताह हो गया ना, अब तो 22 सप्ताह हो गया। तो 22 सप्ताह हो गया तो आप देख रहे हैं कि पहले 22 सप्ताह नहीं थे, 7-8 सप्ताह का था बस। लेकिन ये माना गया कि नहीं, महिलाओं को कम से कम 6 महीने की छुट्टी होनी चाहिए, जैसे CCL दे दिया गया, चाइल्ड केयर लीव, तो 100 दिन का ये भी मिलता है पूरे जीवन काल में, मतलब कि नौकरी में 100 दिन का ये भी है। तो महिलाएं अपना क्या करती है, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए विश्वासना लोग पढ़ते थे, इसकी मम्मी 2 महीने के लिए छुट्टी ले ली, तो मतलब तुम 2 महीना छुट्टी किस ले ली हो, चाइल्ड केयर लीव ली हो ना, तो बच्चों को बैठ के पढ़ाओ, हम लोग सोने के लिए लिए हैं। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, सपोज करिए कि ठीक है, उसी बहाने वेतन मिलता रहेगा और क्या, एक बार नौकरी लगने की देरी है, बाकी सब मैं आपको समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि जो चाइल्ड केयर लीव है, 1 तारीख को सैलरी आपका आता रहेगा और आप छुट्टी पर रहिए बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, 12th तक बच्चे जब तक पढ़ते हैं तब तक ये छुट्टी आप ले सकती हैं, 12th तक के बच्चों तक के लिए, उसके बाद नहीं ले सकते। तो आप देख रहे हैं, तो महिलाओं की परिस्थिति अलग है, तो उनको छुट्टी मिलता है। अब मान लीजिए पुरुष को जो है पेटर्निटी लीव मिलता है 15 दिन का, तो 15 दिन का जो पेटर्निटी लीव मिलता है, तो हम 15 दिन का पेटर्निटी लीव लिए, तो ऐसे ही मैं छुट्टी पर ज्यादा रहता था तो पेटर्निटी लीव ले लिए, तभी लोग बोले कि घर पे रहिए बच्चा संभालिए, आप पेटर्निटी लीव लिए हैं। हम लरे मैं पढ़ाने के लिए लिया हूँ, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि हमारा तो सब छुट्टी उसी तरह चल गया, लीव विदाउट पे इधर उधर सब ऐसे ही चलता रहा जीवन में, नहीं मन लगा। तो आप देखते हैं कि अलग अलग परिस्थिति है तो अलग अलग सब व्यवस्था है, तो ह्यूमन राइट यूनिवर्सल कैसे हो सकता है, लिख दीजिए। बहुसंस्कृतिवाद आबलिक समुदायवादी विचारक इसका समर्थन करते हैं, बहुसंस्कृतिवादी आबलिक समुदायवादी विचारक इसका समर्थन करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक समुदाय आबलिक क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, प्रत्येक समुदाय आबलिक क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उनकी विशिष्ट जीवन शैली होती है, संसाधन का बंटवारा भी असमान है, संसाधन भी असमान है, ऐसी स्थिति में मानव अधिकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं हो सकता, सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं हो सकता। जैसे स्त्री के विशेष स्थिति के कारण उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं, वह अधिकार पुरुषों को देना तर्कसंगत नहीं है, वह अधिकार पुरुषों को देना तर्कसंगत नहीं है, वह अधिकार पुरुषों को देना तर्कसंगत नहीं है। इस तरह मानव अधिकार सापेक्षी का उदाहरण है। अब मूल्यांकन भी उसी तरह से चलेगा, संतुलित मूल्यांकन लिखना है, संतुलित मूल्यांकन लिखना है। जैसे मान लीजिए
चक्कर क्या आता है, आप लोग मेन सोच देते हैं ना जल्दी से, तभी तो बोलता हूँ पीटी ओटी की तैयारी ऐसा करिए कि रुकने ना पाए, क्योंकि जब मेंस देके आएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में मेंस कैसे पढ़ाई होता है। मैं बताया ना कि विकास देखिए पहली बार में आईपीएस बन गए, पहली बार तो पीटी नहीं हुआ, पीटी फेल हो गया, इस बार भी दे रहा है। विकास को पोलिटिकल साइंस पढ़ाया हूं मैं, तो वो भी शुरू में हिंदी हिंदी रखा, एक महीना हिंदी पढ़ा, डेढ़ महीने पैसा उसे भी जमा कर दिए, फिर बाद में कोई पुराने थे टकरा गए, बोले कहाँ तुम भटक रहे हो जाओ, तो आया। तो हमारी एक आदत है, मैं बोलता हूँ सबसे पहले एक हफ्ता पढ़िए बाद में एडमिशन ले लीजिएगा। एक हफ्ता पढ़ा, बस एक ही चीज पूछा कि सर हमको पूरा सिलेबस पढ़ा दीजिएगा, हमको पूरा सिलेबस पढ़ाने की तो गारंटी ले लो। वो मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, पूरा तो पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि अब देखिए समझदारी तो यही ना, पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे तो उसी में से आएगा तो मैं लिख दूंगा। अब पहली बार में देखिए हिंदी माध्यम में जो नंबर पाया था 298 जिस साल वो बना, हाँ इंग्लिश मीडियम में भी किसी का 298 नहीं था, दोनों पेपर मिलाकर सोच लीजिए, हिंदी माध्यम से उतना नंबर था जो इंग्लिश मीडियम में भी नहीं था। हाँ तो ट्रेनिंग कर रहा है ना, अभी परीक्षा देने तो आया है, परीक्षा तो दे ही रहा है इस बार ना, आईपीएस बन गया इस बार, आईएएस वाला दे रहा है, हम दे लालो खत्म, पिछली बार पीटी नहीं हुआ था। एक समस्या थोड़े ना है, थोड़ा सा इधर उधर किए मामला खत्म। तो अब हमें कहते मान लीजिए, अब वो बीटेक किया हुआ था, वो बीटेक किया हुआ है, कोई बोल दिया हिंदी पढ़ लो, डेढ़ महीना हिंदी भी पढ़ लिया, पैसा वैसा दे के बर्बाद हो गया, तब आया सर नहीं पढ़ूंगा हिंदी। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि ऐसे ही तो धीरे धीरे, अब चक्कर के मेंस देने व्यक्ति जाएगा वहां अनुभव करेगा फिर आएगा फिर बदल के पढ़ेगा, समय तो नष्ट होगा ना। अभी कुछ मत करिए, अभी पेपर आएगा ना, जितने लोग हिस्ट्री वाले हैं ज्योग्राफी वाले हैं हिंदी वाले हैं बस कुछ मत करिएगा, उनको पेपर दे दीजिएगा, बोलिएगा भाई साहब पेपर देख लीजिए आप हमारी तरफ से, उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शनल में इधर उधर लापरवाही नहीं कर सकते। इसका मूल्यांकन लिखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक और सापेक्षिक दोनों है, सार्वभौमिक और सापेक्षिक दोनों है, वस्तुतः कुछ मानव अधिकार डैश शिक्षा पेयजल आवास, वस्तुतः कुछ मानव अधिकार शिक्षा पेयजल आवास सार्वभौमिक है, वस्तुतः कुछ मानव अधिकार डैश शिक्षा पेयजल आवास सार्वभौमिक है, लेकिन दूसरी ओर सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर अधिकारों को मान्यता दिया जाता है, अधिकारों को मान्यता दिया जाता है। जैसे भारत में जनजातीय लोगों को विशेष अधिकार दिया गया है, अमेरिका में अश्वेत लोगों को मानव अधिकार में हस्तक्षेप उचित या अनुचित। इसमें जो है एक पहले भूमिका लिख दीजिएगा जैसे बताया, फिर इसके बाद इसका विवेचन कर लेना है कि हस्तक्षेप उचित है, तो कैसे हस्तक्षेप उचित है ये लिखना है, फिर हस्तक्षेप अनुचित है,
हस्तक्षेप अनुचित है, फिर इसको लिखना है, फिर इसके बाद मूल्यांकन लिख देना है। सेम ये 150 शब्द के प्रश्न आते हैं, ये भी पूछा होगा, नहीं पूछा होगा तो पूछेगा। तीन तरह के प्रश्न आते हैं ना, एक तो पुराना, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होता है, दूसरा प्रश्न जो है कॉमन होते हैं, कुछ साझा प्रश्न होते हैं, कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब कि जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हर तीसरे चौथे साल दिखाई देंगे, जैसे प्राकृतिक मल्य अधिकारों का सिद्धांत, नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत हाँ 2-3 साल में पूछा होगा, जैसे व्यवहारवाद हर तीसरे चौथे साल पढ़े थे ना, व्यवहारवाद देखे होंगे हर दूसरे तीसरे साल आता है, डेविड ईस्टन हर दूसरे तीसरे साल आता है, तो कुछ तो कॉमन क्वेश्चन है। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं खासतौर से यूपीएससी में कि एकदम नए होते हैं, मतलब कोई भी उसको पहले देखा नहीं होगा, तो ये कुछ नए एकदम प्रश्न होते हैं, ये कम होते हैं, इनकी संख्या कम होती है थोड़ी, लेकिन कुछ नए भी होते हैं। तो हम लोग को पढ़ते समय तीनों चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग को पुराना जो सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ जो पुराने प्रश्न है वो भी अच्छे प्रश्न को सॉल्व कर देना है, जैसे अभी मैं आपने प्रश्न पढ़ा तो मैंने करवा दिया था, जैसे मान लीजिए कुछ साझा प्रश्न है तो वो भी मैं करवाता रहता हूँ, जैसे तीन पीढ़ियों वाला क्वेश्चन है आता रहता है, और कुछ नए प्रश्न है जैसे ये मानव अधिकार में हस्तक्षेप उचित या अनुचित। अब कैसे पूछेगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन आसान होता है, घुमाकर पूछता है, लिखेगा कि पिछले वर्षों में जो है अफगानिस्तान इराक जैसे देशों में जो है मानव अधिकार के नाम पर अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, अमेरिका द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप को जो है उचित माना जाए या अनुचित, टिप्पणी करें 150 शब्द। अब जानते हैं ना यूपीएससी में 150 शब्द लिखने का प्रश्न आता है और खुद ही 60 शब्द लिख देता है, नहीं देखे होंगे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा 150 शब्द में, खुद ही 60 शब्द लिख के दे देगा, जाइए लिखते रहिए, कुछ करना थोड़ी ना होता, उसी की व्याख्या लिखना होता और कुछ नहीं करना है। हाँ समझे रहेंगे तभी तो व्याख्या चलेगा। अब प्रश्न तो यही है ना कि मानव अधिकार में हस्तक्षेप उचित है या अनुचित। अब हस्तक्षेप उचित है तो उसको जैसा समझिए, देखिए कुछ विचारक कहते हैं कि बताइए कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है, प्रत्येक देश में मानव होने के नाते सबको प्राप्त होना चाहिए, चाहे अफ्रीका का मानव हो, चाहे लैटिन अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, भूटान का हो, कहीं का भी हो, विश्व के किसी भी भाग में यदि वो मनुष्य रह रहा है तो उसके मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी दशा में मान लीजिए घरेलू सरकार किसी कारण से तानाशाही कर रही है तो विश्व समुदाय का यह कर्तव्य बनता है कि मानवीय गरिमा के लिए जो है हस्तक्षेप कर दे। जैसे म्यांमार में सैनिक शासन चल रहा है, रोहिंग्या लोगों पर तानाशाही किया गया, अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया, फ्रांस ने हस्तक्षेप कर दिया, बोला नहीं रोहिंग्या लोगों जहां पे रोहिंग्या लोग हैं वहां पर उनको दोबारा से बसाइए। देखिए म्यांमार ने दोबारा रोहिंग्या लोगों को बुलाया ना, क्योंकि फंडिंग बंद कर दिया गया उसका, रोहिंग्या लोग भारत में भी तो भाग के आ गए थे हैं अभी, अब जो लोग आ गए कहां जाएंगे, वहां पर यहीं रुक गए, हम लोग क्या जगह की कमी है नहीं, कोई समस्या की बात नहीं, जैसे 130 करोड़ वैसे और 2-4 लाख रह जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग क्या ऐसा कुछ 50 लाख लोग बांग्लादेश के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, 50 लाख घूम टहल रहे हैं, बांग्लादेश के लगभग 50 लाख लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में चले जाएंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वो दूसरे एक मुद्दा है, वो जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन यहां पर ये लोग कहते हैं कि कहीं पर भी विश्व में यदि मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो विश्व समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार जब सार्वभौमिक है सबको मिलना चाहिए। ये बताइए अब अफगानिस्तान में महिला शिक्षा तालिबान सरकार नहीं दे रही है, तो नहीं दे रही है तो देखिए विश्व समुदाय उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब धीरे धीरे जो है तालिबान को लग रहा है कि हम विश्व से कट जाएंगे, तो धीरे धीरे स्कूल छोटा मोटा शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि यदि प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तब तो फिर तालिबान में जो है वो देखा जाए तो महिलाओं को शिक्षा ही नहीं दिया जाता। सऊदी अरब को लीजिए, सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, अभी 2-4 साल पहले महिला मताधिकार दे दिया गया,
सऊदी अरब में लागू कर दिया गया, चुनाव भी हुआ, आपको ध्यान होगा। अब देख रहे हैं कि महिलाएं गाड़ी वहां नहीं चला सकती थी तो महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार दे दिया गया। तो भाई हमें कहते हैं कि ठीक है, जो कोई महिला गाड़ी चलाना चाहती है तो उसको चलाने दीजिए, कौन सा आफत आ गया आपको? अब बोलेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ शरीयत कानून में नहीं लिखा है, नहीं चलेगा, ऐसे थोड़े ना होता है। अरे शरीयत कानून जब बना था तो बना था, अब आज जमाना दूसरा है। आज तुम लोग खुद सिखाते हैं कि भाई हर महिला को गाड़ी उड़ी चलाने आना चाहिए, भाई ठीक है कहीं जाना है तो चला के चले जाइए, ड्राइवर है अच्छी बात है, लेकिन अपने भी सीख लीजिए, दो चार पाँच किलोमीटर जोर पड़ने पर चला लीजिए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि यह हस्तक्षेप उचित है क्योंकि मानव अधिकार सार्वभौमिक है, यदि हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो घरेलू सरकार जो है मानव अधिकार का उल्लंघन करती रहेगी, अतानाशाही लोगों पर होता रहेगा। इसी से विश्व नागरिकता की अवधारणा आई है, आपके सिलेबस में नहीं है, नेट जीआरएफ में है, विश्व नागरिकता कि जो कोई नागरिक है तो किसी देश का ही नागरिक नहीं है, वो विश्व का नागरिक है। और ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य बनता है, विश्व का कर्तव्य बनता है कि उसके अधिकार की हम रक्षा करें। लिख दीजिए, हाँ, जैसे जिनजियांग प्रांत है चाइना में, तो जिनजियांग प्रांत में टर्की मूल के मुस्लिम लोग रहते हैं, 90% मुस्लिम लोग थे पहले। तो आप जानते हैं कि उसने क्या किया कि कहीं ना कहीं वहां पर मुस्लिम लोगों की हत्या करवा दिया, आए दिन हत्या करवाता रहता है। अब धीरे धीरे मुस्लिम लोगों की आबादी 30% बच गई है, बाकी मुस्लिम लोगों को मरवा दिया। और जो अपने अपने जो लोग हैं, जो मंदारिन भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो चाइनीज लोग हैं मंदारिन भाषा बोलते हैं, तो मंदारिन जो भाषा बोलते हैं उनको ले ले के वहां बसा रहा है, उनकी संख्या ज्यादा कर दिया, और वहां पर जो है जिनजियांग प्रांत में मुस्लिम लोगों की संख्या कम हो गया। तभी तो अमेरिका जो है चीन मानव अधिकार का नहीं पढ़ते पेपर में कि अमेरिका जो है चीन की आलोचना करता है क्यों मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, वो यही मसला है। लिख दीजिए, मानव अधिकार के कुछ समर्थक मानते हैं कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है, प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते उपलब्ध होना चाहिए। अतः विश्व के किसी भाग में मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवीय गरिमा के लिए इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। उन देशों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जैसे म्यांमार में रोहिंग्या लोगों के अत्याचार रोहिंग्या लोगों के अत्याचार के कारण रोहिंग्या रोहिंग्या लोगों के अत्याचार के कारण प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ, रोहिंग्या लोगों पर अत्याचार के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, अब तो प्रतिबंध हटा दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया था। और अफगानिस्तान का लिख दीजिए, उसी में अफगानिस्तान में महिला शिक्षा न देने के कारण प्रतिबंध चल रहा है। आर्थिक प्रतिबंध, जैसे मान लीजिए बैन लगा दिया गया कि राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं आ सकता है,
या मान लीजिए आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया कि हम किसी प्रकार का आपको लोन IMF वर्ल्ड बैंक से नहीं देंगे, तब देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, तो अफगानिस्तान धीरे धीरे झुकना तो शुरू हो गया है। अब स्थिति दूसरी अफगानिस्तान में, अब भारत से भी संबंध बन रहा है, तालिबान का भारत के साथ भी अब अच्छा संबंध है। अब भारत भी तालिबान की आलोचना नहीं करता है, क्योंकि क्या फायदा है, जब तालिबान सुधर गया या तालिबान मान लीजिए भारत की सहायता कर रहा है तो ठीक है, हम लोग संबंध बनाएंगे तभी तो पाकिस्तान पर दबाव बना पाएंगे। तो विदेश नीति में जितना दिखाई देता है उतना होता नहीं है। विदेश नीति में सब जो है बहुत सारी चीजें चलती है एक साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है यह खेल है, और इसको खेलने के लिए खिलाड़ी भाग लेते हैं, और खिलाड़ी जो है ये देश है, और देश जो खेलता है वो अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए खेलता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए खेलता है, और ये नेशनल इंटरेस्ट जो है नेशनल पावर से होता है, राष्ट्रीय शक्ति से निर्धारित होता है। अब ये जो खिलाड़ी है वो रणनीति बनाता है, ये रणनीति बनाता है जिससे हमारा राष्ट्रीय हित पूरा हो सके। अब समस्या है कि ये जो रणनीति है उसमें जो है तमाम कूटनीति बनती है, तमाम जो है सब चीजें चलती रहती हैं, तो जो दिखाई देता है वो वास्तव में होता नहीं है, तो बाद में पता चलता है कैसा क्यों किया गया। हम लोग तालिबान से संबंध इसलिए बनाते हैं जिससे तालिबान से हमारा संबंध बनेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि तालिबान का बॉर्डर जो है मध्य एशिया से लगता है, इसीलिए GS में क्वेश्चन पूछा भी था मध्य एशिया का कि मध्य एशिया से बॉर्डर लगता है तो हमारा मध्य एशिया से अच्छा संबंध बनेगा। मध्य एशिया भारत के लिए बाजार है, मध्य एशिया में प्राकृतिक गैस है, ऐसी दिशा में भारत प्राकृतिक गैस ले सकता है, और मध्य एशिया से हमारे संबंध बनेंगे तो हम लोग जो है अफगानिस्तान के रास्ते जो ईरान के चाबहार समझौता है तो उससे चाबहार समझौते से हम लोग सीधा जो है वो अफगानिस्तान से जोड़ते हुए सीधा जो है अफगानिस्तान से जोड़ते हुए सीधा जो है हम लोग माल की सप्लाई कर सकते हैं मध्य एशिया में, एक ये भी चीज है। और मध्य एशिया मुस्लिम राष्ट्र के रूप में रहा है तो हमारा यदि अफगानिस्तान से अच्छा संबंध बनेगा तो खाड़ी देशों से अच्छा संबंध बनेगा, तो खाड़ी देशों से अच्छा संबंध बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान, सीरिया, ये सब जितने भी देश से अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे तो पाकिस्तान को हम अलग थलग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे कितना गणित चल रहा है, कि वही तो लिखना था क्वेश्चन जो आया था कि मध्य एशिया से भारत क्यों संबंध बनाना चाहता है। कुछ नहीं, विदेश नीति तो सबसे आसान है, कहानी है कुछ नहीं, एक बार कहानी समझ लीजिए क्या पूछ लेगा, वही लिखा जाएगा जो पूछेगा। तो आप देखते हैं कि हस्तक्षेप अनुचित है। अब यहां पर हस्तक्षेप जो है अनुचित है कैसे, अब इस पर चर्चा किया जाए। अब देखिए, इसके समर्थक ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सब देश संप्रभु हैं, राष्ट्र राज की अवधारणा है, नेशन स्टेट की अवधारणा है, तो मानव अधिकार के नाम पर जो हस्तक्षेप किया जाता है उस संप्रभुता में आघात पहुंचता है। क्योंकि अमेरिका, अभी तो बताया कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया, चाहे इराक पर प्रतिबंध लगा दिया, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, तो प्रतिबंध लगाना मानव अधिकार की रक्षा करना उसका उद्देश्य नहीं है, वो अपने हित की पूर्ति करना चाहता है। अभी बताया हूं चल क्या रहा है, दिखाई क्या दे रहा है, हो क्या रहा है। मोदी साहब अमेरिका गए, हम लोग को लगा देखिए अमेरिका से हमारे मधुर संबंध हुए। अब अमेरिका से मधुर संबंध हुए तो कभी आपने सोचा कि उसमें पीछे बैकग्राउंड में कितना चीज चल रहा है, उसमें अडानी साहब का भी हित छुपा हुआ है जो दिखाई नहीं देगा, उसमें जो है बीजेपी पार्टी का भी हित छुपा हुआ है, चुनाव का भी हित छुपा हुआ है, तो बहुत सारी गणित छुपी हुई है। तो जो हाथी का जो दांत दिखाने वाला है वो अलग है और खाने वाला दांत अलग चलता है राजनीति में। तो आप देख रहे हैं अब मानव अधिकार के नाम पर जो हस्तक्षेप अमेरिका किया वो क्यों किया, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए कर दिया, दबाव बनाने के लिए कर दिया। तो ये लोग कहते हैं कि कोई भी देश छोटा हो या बड़ा हो सबका समान अस्तित्व है, अंतर्राष्ट्रीय कानून सबको समान मानता है, तो ऐसी दशा में जो है वो देखा जाए तो सब देश अपनी नीति बनाने के लिए, अपना कानून बनाने के लिए, अपना कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बड़े देश मानव अधिकार के नाम पर जो हस्तक्षेप करते हैं यह हस्तक्षेप वास्तव में मानव अधिकार की रक्षा के लिए नहीं होता है,
इस हस्तक्षेप का उद्देश्य जो है नव उपनिवेशवादी शोषण करना होता है। बड़े देश अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए सब हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए जो है मानव अधिकार के नाम पर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े देश जो है नव उपनिवेशवादी शोषण के लिए हस्तक्षेप करते हैं कि आप मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। लीजिए, अब व्यापार नहीं करेंगे तो देश दबाव में आ गया ना, या हम आपको IMF वर्ल्ड बैंक से ऋण नहीं देंगे या ब्याज दर ज्यादा पर देंगे। अब लीजिए, एक तो एक तरह से शोषण हो गया ना, कि मानव अधिकार का हनन हुआ एक अलग मुद्दा है, और उसके नाम पर आप शोषण कर रहे हैं, ये कोई बात हुआ? देखिए, इसके समर्थक मानते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी देश संप्रभु हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी देश संप्रभु हैं, मानव अधिकार के नाम पर हस्तक्षेप राष्ट्र की संप्रभुता पर आघात है। राष्ट्र राज्य प्रणाली के विपरीत है। राष्ट्र राज्य प्रणाली के विपरीत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में बड़े या छोटे सभी देशों को समान माना गया है। सभी देशों को समान माना गया है। और सभी देश अपनी नीति आवली कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। वास्तव में हस्तक्षेप का उद्देश्य बड़े देशों के राष्ट्रीय हित को पूरा करना होता है। हस्तक्षेप का उद्देश्य बड़े देशों के राष्ट्रीय हित को पूरा करता है। ठीक है, अब मूल्यांकन लिख देना है। राष्ट्र राज्य का मतलब कि जो देश है वो संप्रभु के रूप में है, राष्ट्र के रूप में है, और किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप से भारत है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब कि ऐसी सर्वोच्च इच्छा जिसके माध्यम से हम कोई भी निर्णय ले सके, चाहे घरेलू स्तर पर कानून बना सके, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णय ले सके, तो ऐसा जो देश होता है उसको संप्रभु देश कहा जाता है। तो राज्य के चार तत्व होते हैं, एक तो संप्रभुता जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, दूसरा चीज जनसंख्या, तीसरा चीज भूभाग, और चौथी चीज सरकार। इन्हीं चार चीजों से मिलकर राज्य बनता है। राज्य मतलब यूपी बिहार नहीं, राज्य मतलब देश, स्टेट। हम लोग आजादी के पहले राज्य थे? नहीं थे। क्यों? संप्रभुता नहीं थी, संप्रभुता तो हम लोग को बाद में मिली, इसलिए राज्य बाद में बने। फेडरल सिस्टम में हम लोग राज्य बोल देते हैं, लेकिन उसको यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। मूल्यांकन देखिए, मूल्यांकन ये लिखा जाता है कि भाई विश्व में यदि किसी देश में कोई तानाशाही चल रही है, लोगों पर अत्याचार चल रहा है, तो विश्व को मिलकर आपस में UNO के माध्यम से
हस्तक्षेप कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, यूएनओ के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकता है, वो औचित्यपूर्ण है। लेकिन सामान्य रूप से जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी देश की संप्रभुता को जो है छोटी छोटी बातों पर न प्रभावित किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका है वैसे ही भूटान है, जिस तरह चाइना है वैसे ही नेपाल है। तो छोटी छोटी बातों पर जो है किसी देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कौन से नहीं, मानव अधिकार के उल्लंघन का मतलब, जैसे भारत में मान लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है ना, अब अमेरिका आक्रमण कर दे, हस्तक्षेप कर दे, तो अमेरिका तो कूटनीति चलता है ना, अमेरिका को भारत से फायदा है तो अमेरिका यहां थोड़ा कुछ बोलेगा। अभी तो बताया हूं कि विदेश में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वो क्या रहा है विश्व में, खेल है ये, अंतर्राष्ट्रीय संबंध खेल है, ये जो देश है वो खिलाड़ी है। खिलाड़ी देखिए रणनीति बनाता है, अच्छा खिलाड़ी है देखिए मोहम्मद शमी, अच्छा विकेट लेते हैं ना, तो कभी आप देखिएगा मोहम्मद शमी का, उनके चेहरे पर कुछ नहीं है, 4 रन लग गया 6 रन लग गया कोई बात नहीं। देखिए हम लोग नाराज हो जाते हैं, अरे जानते इसी के कारण मैच हम लोग हार गए, याद है कहते हैं। तो कभी आपने सोचा उस व्यक्ति का लाइन लेन देखिए एकदम सटीक को फेंकता रहता है, उसी के कारण तो मैच हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप में, भूल गए क्या? मोहम्मद शमी के कारण ही वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे उस दिन सेमीफाइनल, अन्यथा वो हारा हुआ मैच था, खत्म थी कहानी उसकी। अरे लग गया 6 रन कोई बात नहीं, वो व्यक्ति अभी विकेट लेगा, अरे 20 रन बनाना है, 6 रन लग गया कोई बात नहीं, यही तो हुआ था, 12 रन बचा हुआ है, ओवर भी पड़ा हुआ है और रन तो बन ही जाता। अब तो मेन चीज है कि विकेट निकालिए, तो उस व्यक्ति ने विकेट निकाला तो बस मामला बन गया। हमें कहते हैं कि ये लोग जो हस्तक्षेप करते हैं वो मान लीजिए कोई कहीं पर तानाशाही हो रही है, कहीं पर मान लीजिए बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, तो वहां तो हस्तक्षेप जरूरी है, लेकिन यूएनओ के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लिख दीजिए मूल्यांकन, उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि किसी देश में घरेलू सरकार, उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि किसी देश में घरेलू सरकार, किसी देश में घरेलू सरकार लोगों पर ज्यादा अत्याचार कर रही है, लोगों पर ज्यादा अत्याचार कर रही है, तो यूएन के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है, यूएन के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन किसी देश की संप्रभुता का ध्यान अवश्य रखा जाए, लेकिन किसी देश की संप्रभुता का ध्यान अवश्य रखा जाए, और हस्तक्षेप का उद्देश्य शोषण नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप का उद्देश्य शोषण नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप का उद्देश्य शोषण नहीं होना चाहिए। बस इतना ही लिख रहे हैं। अब इसमें 150 वर्ड के प्रश्न आते हैं, एक आजकल मुद्दा चल रहा है वो भी पढ़ा देता हूं कि मानव अधिकार के दृष्टिकोण से किसे मानव माना जाए। अभी आया नहीं है लेकिन आजकल पेपर संपादकीय लेख निकलता रहता है, इसी में पढ़ना है, हेडिंग बनाइए मानव अधिकार के दृष्टिकोण से किसे मानव माना जाए। मानव अधिकार के दृष्टिकोण से किसे मानव माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहस किया है। पहले समझिए 150 शब्द में आ सकता है। सबसे पहले क्या करिएगा कि एक भूमिका लिख दीजिएगा,
फिर इसका जो है विवेचन करना है। इस विवेचन में दो चीज लिखना पड़ेगा, एक तो धार्मिक दृष्टिकोण लिखना पड़ेगा, धार्मिक दृष्टिकोण, और दूसरा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और फिर इसके बाद मूल्यांकन लिखना है। अब जैसे समझिए, ऐसे जो ला जनरल होता है ना भारत में, एक ला जनरल होता है, तो जैसे ला जनरल में लोग लेख लिखते हैं, तो विश्व एकदम से बोले कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले पर पापा थोड़ा सा बोल दो, हमने बोल दिया, समझा दिया, उसी को सेट आउट करके लिख दिए, तो उसमें ला जनरल में उनका पब्लिश हुआ है, तो हमको कल ही पब्लिश हुआ, तो उसमें पुरस्कार उसका भी मिलता है सब, कि भाई सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला बच्चा इतना बढ़िया लिखा। तो हमसे बोले कि पापा अब हमको तो जो है वहाँ जाना पड़ेगा, कुछ समझाना भी पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा तुमको। उस दिन तुम बोले तो हम बोल दिए, तो तुम उसको सेट आउट करके लिख दिए। बोले हम सेट करके तो लिख दिए, हमको तब कायदे से किताब पढ़ लो बाबू। तो आज उनको बोला हूँ दो चार किताब पहले पढ़ लो, तब ना समझा पाओगे, अब समझाने वाला काम हमारे जिम्मे छोड़ोगे। तो जैसे होता है, अब भाई अब देखिए, अब व्यवहारिक चीजें हैं कि भाई अब हम लोग पढ़ते पढ़ते जो अनुभव हुआ है, अब जैसे ये मुद्दा है, अब इस पर संपादकीय लेख लिखा जाए तो जबरदस्त हो जाएगा। देखिए हम लोग तो यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले तो भूमिका लिख देंगे कि मानव अधिकार मानव की पुरुषार्थ है, व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए, विश्व के सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। लेकिन अब समस्या यह है कि मानव किसे माना जाए, मानव जो है कब माना जाए, यह विवाद की विषय वस्तु है। भाई मानव जीवन की शुरुआत कब से होती है? सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया हुआ है, ये जो पढ़ा रहा हूं ये जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी कभी आ सकता है मानव किसे माना जाए, तो इसका ज्यादा तो नहीं 150 शब्द हम लोग लिखेंगे, चार लाइन भूमिका लिख दीजिए पहले। मानव अधिकार मानव की पुरुषार्थ है, क्योंकि इसकी भूमिका में जोड़ना पड़ेगा ना, मानव अधिकार मानव होने की पुरुषार्थ है और विश्व के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए। विश्व के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन मानव किसे माना जाए, मानव किसे माना जाए, किस अवस्था में माना जाए, यह विवाद की विषय वस्तु है। किस अवस्था में माना जाए यह विवाद की विषय वस्तु है। यह विवाद की विषय वस्तु है। इस विवाद के मूल में यह बात निहित है कि मानव जीव की शुरुआत कब होती है। मानव जीव की शुरुआत कब होती है। अब समझिए, अब इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। धार्मिक दृष्टिकोण समझिए, ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ चुका है, याद है वो जो महिला थी
जो महिला जो गर्भ धारण की थी तो वो जो है वो प्रेग्नेंट थी, तो वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम बच्चा नहीं रखना चाहते हैं। और वो जो है वो देखा जाए तो 6 सप्ताह या 8 सप्ताह का बच्चा हो गया था, 10 सप्ताह का केस 6 महीने पहले जो केस आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और कहा कि ऐसा है कि यदि मान लीजिए मतलब कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 4 महीना हो चुका है, 5 महीना हो चुका है, तो फिर हम गर्भपात कराने का जो है आदेश नहीं दे सकते हैं। याद आया केस 21 आया था सुप्रीम कोर्ट में, हाँ हमेशा 21 एक बीच में भी आया था, इस तरह से मैटर आया था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या किया था, वही मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूं। तो अब देखिए इसमें दो तरह के दृष्टिकोण है, एक तो धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। तो धार्मिक दृष्टिकोण वालों का यह मानना है कि गर्भ धारण करने से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, और धार्मिक जो दृष्टिकोण है ये मानता है खासतौर से यूरोप का जो पोप लाबी है, पोप लाबी मतलब ईसाई वाले, तो जो पोप लाबी है वो मानता है कि मानव जीवन की शुरुआत जो है वह देखा जाए तो गर्भ धारण से ही शुरू हो जाता है। अतः जो भ्रूण है उसको भी मानव अधिकार प्राप्त है और हम उस भ्रूण की हत्या नहीं कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो मानव क्लोनिंग है, जो गर्भपात का अधिकार है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जब जो गर्भ है तो गर्भ भ्रूण से ही जो है वो बच्चा बनता है, तो भ्रूण से जब बच्चा बनता है तो इसका मतलब कि भ्रूण में जो है जीव है। यदि हम भ्रूण गर्भपात कराएंगे तो इससे भ्रूण हत्या होगा, भ्रूण हत्या का हुआ कि जीव हत्या हो गया, धार्मिक लाभी कहता है। क्लियर हुआ, लिख दीजिए। धार्मिक दृष्टिकोण में, धार्मिक दृष्टिकोण का मानना है कि गर्भधारण से ही जीवन की शुरुआत हो जाती है, विशेषकर यूरोप का पोप लाबी मानता है कि मानव जीवन की शुरुआत भ्रूण से ही होती है, भ्रूण हत्या नहीं किया जा सकता, भ्रूण हत्या नहीं किया जा सकता। इसी कारण मानव क्लोनिंग तथा गर्भपात के अधिकार का विरोध करता है, अब यहां चलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि मानव जीवन की शुरुआत जो है जीव बनने से होगा। तो बताइए जीव बनने से होगा तो जीव कब बना? जीव तो बना 4 महीने 5 महीने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि जन्म के बाद आपका अधिकार होता है ना, जन्म के पहले कौन सा अधिकार है? भाई हम कहते हैं गर्भ में बच्चा है, बोले कि हमारा राइट है। क्या राइट है बोलो, क्या राइट है भाई? तो जब जीव बनेगा तब ना उसका राइट बनता है। तो वैज्ञानिक लाभ इसका समर्थन करता है। वैज्ञानिक लाभ ये कहता है कि गर्भपात ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, 5-6 महीने तक का गर्भपात किया जा सकता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म ही नहीं लिया है तो फिर उसके अधिकार की क्या बात करें हम। और महिलाओं को जो है गर्भपात का अधिकार देने के पक्ष में लोग हैं। अभी अमेरिका में खूब विवाद चला था, याद है गर्भपात कानून वाला, पढ़े होंगे पेपर में, पेपर पढ़ते हैं रोज ना,
कोई ना कोई पेपर रोज पढ़ा करिए, बता रहा हूं कौन सा पेपर पढ़ती है, ईमानदारी से बताइएगा। आज रोज पढ़ा करिए, एक घंटा रोज पेपर पढ़ा करिए, एक घंटा ज्यादा नहीं। कटिंग कर लेती है ना, कटिंग कर लेती है, अच्छे करती है। अब कटिंग करके साल दो साल के बाद उसको किलो के भाव से आप बेचेंगे। देखिए अब मेरा समझिए थोड़ा सा, मैं अपने 20-25 साल का अनुभव बता रहा हूँ, अभी आप नहीं है ना, अनुभव अपना बता रहा हूँ। मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ना टॉपिक वाइज। आप लोग जब हिंदू पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हिंदू जैसे आपने निकाला, अब कहीं कुछ टॉपिक निकला होगा, अपना कॉपी निकालिए और कॉपी में साइड में बोलता हूँ जगह छोड़ने के लिए ये थोड़ा सा, तो क्या करिए अपना कॉपी निकालिए। देखिए जगह जगह बीच बीच में जगह छोड़वाता भी रहता हूँ जानबूझकर। अब उसको आपने पढ़ा, मान लीजिए कोई तर्क आपको बहुत अच्छा लगा यहीं पर थोड़ा सा लिख दिए, कोई मान लीजिए फैक्ट अच्छा है तो यहाँ पर लिख दिए। ये काम करना है, अब पेपर को लपेट के रख देना है। पेपर को काट कूट के रखने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो बाद में आप नहीं पढ़ पाएंगे। जो काम करना है उस एक घंटे के भीतर कर लेना है। मैं अपना भी बताऊं आपको ना, मैं बता रहा हूं पूरा पेपर नहीं पढ़ना है ना, कल पेपर लाइए तो मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई पेपर है, तो पेपर में दो चीज निकलता है, एक तो देखिए, एक तो संपादकीय निकलता है, हम भी पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा है, देखिए बहुत अच्छा पेपर है। अब देखिए ये जो है, ये इसका फ्रंट पेज है, ना ना मैं इसमें इसी बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ हमको कोई बात लाइए। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब यहां निकला कि बॉम्बे हाई कोर्ट टेल सीबीएफसी टू टेक कॉल ऑन द इमरजेंसी बाय द सितंबर 25, मान ये निकला। अब यहां पर जो हेडिंग निकल रहा है साइड में, या जो यहां पर हेडिंग है, इसमें से कुछ चीजों की व्याख्या अलग होगी, आगे होगी, ठीक। अब यहीं पर पढ़ के आपको ये समझ लेना है कि हमारे काम का क्या क्या चीज है, हमारे काम का क्या क्या चीज है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। अभी बताइए, अब मान लीजिए कांग्रेस एनसी इन लाइन विद द पाक एजेंडा पीएम ऑन आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, मान लीजिए इन्होंने कहा, तो अब आपको यहां पर ही चार लाइन उसको पढ़ लेना है कि क्या हुआ है, कोई बात तो नहीं है, बस इतना पढ़ लिए। मेन काम अब करना है यहां पर, देखिए ये सब जो है, ये सब जितनी बातें हैं ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं, हम लोग से कोई लेना देना नहीं। हम लोग का लेना देना क्या है, सेकेंड पेज जो होता है इसका, हाँ ये सेकेंड पेज जो होता है, इस पर एक घटना रोजाना बहुत अच्छा निकलता है। देखिए यूएस कोर्ट समन गवर्नमेंट एनएसए रा चीफ निकला। अब यहां पर जो पढ़ेंगे तो आपको एनएसए के बारे में, नेशनल जो मान लीजिए जो उसका राह है, जैसे रिसर्च एंड विंग है, तमाम जो चीजें हैं, तो कुछ घटना हुआ होगा जो यहाँ पर निकाल दिया, वो आपको हल्का सा यहाँ पर पढ़ लेना है। कोई विशेष बात है तो ठीक, रहते छोड़िए। अब देखिए, अब ये यहाँ पर 370 वाला जो मोदी उधर बोले थे, उसी चीज की ये व्याख्या लिख रहा है। यदि कोई पॉइंट लगता है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो छोड़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पर क्या करना है, अब देखिए, अब ये जो फ्रंट पेज है, इस फ्रंट पेज पर एक चीज निकला था, देखिए ये फ्रंट पेज पर एक चीज निकला था, ये FATF यहां पर है फ्रंट पेज पर, है ना, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके थर्ड GS में भी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए। अब है? अरे जो आतंकवादी वाला गतिविधि वाले के लिए जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, हाँ, जो ग्रे और वो वाला जो मुद्दा है ये है। अब देखिए ये थोड़ा सा केवल यहां पर लिख कर पेज नंबर 2 यहां डाल देता है, जो इंडियन एक्सप्रेस में, अब यहां पेज नंबर 2 डाल दिया। और आप गौर करिएगा, इसमें जितनी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो पेज नंबर 2 पर उसका जो एक्सप्लेनेशन चलता है। अब देखिए आपके सामने ही पेज नंबर 2 यहां पर भी है, पेज नंबर 2 यहां पर भी है, तो हमको पेज नंबर 2 ये वाला जो पेज है वो ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर अब इसकी व्याख्या ये लिखिएगा पूरा। अब कहीं लिखा होगा FATF का, मैं बताता हूं अभी कहीं पर होगा, ये रहा देखिए, FATF ऑन इंडिया इफेक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम लो
प्रोसिक्यूशन, तो मान लीजिए सपोज करिए अब ये इसकी व्याख्या लिख रहा है, आपको क्या करना है, इस सेकेंड नंबर पेज को पढ़ना है, ये सब खत्म, ये सब कहानी है, राजनीति का चलता है फोटो वोटो। अब देखिए, अब इसके बाद ये सब लोकल चलता है, ये लोकल दिल्ली यूनिवर्सिटी और आसपास के खबर है, ये वाला जो इसका पेज आता है वो व्यक्तित्व परिचय का पेज आता है, ठीक। अब ये व्यक्तित्व परिचय का पेज आता है तो यहीं पर कभी कभी एडिटोरियल वो लिखता है, आज वाले डेट में वो व्यक्ति परिचय डाल रखा है। अब आपको व्यक्ति परिचय डाल रखा है तो आपको क्या करना है, जिसे देखिए डॉक्टर करण सिंह, अब ये आपके इथिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। भाई डॉक्टर करण सिंह कौन थे, हरि सिंह के लड़के। डॉक्टर करण सिंह फिलासफर रहे हैं, बीएचयू में फिलासफी भी पढ़ाते रहे हैं, जम्मू कश्मीर रियासत के यही मालिक रहे हैं हरि सिंह, उनके लड़के हैं, ठीक। मान लीजिए अब ये थोड़ा सा आप यदि देखेंगे तो आपको पढ़ते ही ध्यान आ जाएगा, जैसे हमको मान लीजिए ध्यान आ जाता है कि किसका नाम लिखा है, मान लीजिए कोई क्या बन गया है, तो ये आप जब पढ़ते रहेंगे, जैसे कोशियारी साहब का एक फोटो है, अब हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत है। इसमें जीएस से मिलाने को आएगा ऐसे, अभी आप लोग पेपर जीएस का खतरनाक नहीं देखे ना, आईएस वाला पीटी का, ऐसे कोशियारी ये 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 दो दो लाइन दो दो लाइन लिख के छोड़ देगा, मिलाने को फंस जाएंगे। ले दिए, हम तो 25 साल से यही काम कर रहे हैं, तो मैं देखते बता दूंगा कि कौन है, फोटो पढ़ने की भी जरूरत है, लिखा क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वही तो लिखेगा। अब जैसे देखिए इस तरह से आपको देखना है, आपको अब यहां पर यदि सिटी चल रहा है, क्या मतलब सिटी से, आपको सिटी से मतलब दिल्ली सिटी से आपको क्या लेना देना है, आपको कौन सा पानी का बिल माफ करवाना है आप पार्टी से। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि सरकार का कोई योजना होता है, सरकार की कोई योजना है, कोई पॉलिसी है, तो उससे संबंधित पेज नंबर 7 चलता है एक्सप्रेस में। अब देखिए इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई होंगी सरकार की पॉलिसी से संबंधित, तो आपको पॉलिसी भी पढ़ना है तो पेज नंबर 7 भी देख सकते हैं। अब देखिए ये सब 7 और 8 दोनों पॉलिसी का पेपर है, ये पॉलिसी का पेज चलता है, सरकार की जितनी पॉलिसी चल रही है, चूंकि आप लोग क्या इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ये सब, इसके बाद 8 नंबर पेज ये बेकार है। अब इसके बाद जो है देखिए, अब इसके बाद एक पेज इसका आता है, इसमें चूंकि दिन में हर हर डे बदल जाता है ना इसका, हाँ ये वाला ये आता है, ये पढ़ना है। अब ये क्या पढ़ना है, इसको ऐसे मोड़ के अपने तकिया के नीचे ऐसे रख दीजिए, और जब कुछ ना पढ़ने का मन करे ऐसे लेके पढ़ लीजिए। अब इसका फायदा क्यों बोल रहा हूं, पढ़ने के लिए ऐसे के लिए जरूरी है, न्यू कोड ओल्ड कैपेसिटी, यह है ना। अब देखिए मान लीजिए न्यू कोड मतलब वही जो हम लोग क्या सिविल कोड जो था ना, जो अंग्रेजों का था, उसको बदल दिया गया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया उसका नाम। अब इस पर इन्होंने जो है वह देखा जाए तो ये माजा दारू वाला, तो इनका नाम तो ये नहीं है लेकिन इसी नाम से इनका लेख आता है। तो अब है क्या कि इस तरह की जो लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, तो ये लोग अपना संपादकीय लेख लिखते हैं। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई ऐसे आएगा, तो कोई ऐसे आएगा तो इन लोगों का जो विचार है वो आपको पढ़ना है कि लोग क्या मानते हैं। अब देखिए ये पेज पढ़ना जरूरी है, जैसे इक्वलिटी है। अब देखिए इन्होंने जो है देवदत्त साहब ने, इसमें देवदत्त साहब लिखते हैं बहुत अच्छा, ये फिलोसफिकल लिखते हैं, तो ये जो है इल्यूशन ऑफ इक्वलिटी, तो इल्यूशन ऑफ इक्वलिटी। अब मान लीजिए इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो आपके सब्जेक्ट से भी संबंधित है भाई, इक्वलिटी का मसला है तो उस पर जो है लेटेस्ट चीज क्या है। अब ये सब चीज है, ये इकोनॉमिक्स वाला पेज है तो उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप इकोनॉमिक्स है तो पढ़िए, मैं तो पढ़ता ही नहीं उसको क्योंकि हमारे तो काम का है नहीं, बाकी सब एड ओड चलता है उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इंटरनेशनल जो एक पेज है, इंटरनेशनल पेज 15 नंबर पे आता है, तो कोई इंटरनेशनल कोई घटना है तो इस पर चलता है ये, जैसे वेस्ट एशिया का देखिए यहाँ पर घटना लिखा है,
जैसे एफसीआई वाला लिखा है, जैसे अमेरिका का ये लिखा हुआ है, तो ये सब आप चल सकते हैं। जैसे वाई यूएस फेड कट इंटरेस्ट रेट, कि क्यों इंटरेस्ट रेट उसने कट किया, हाउ इंडिया कुड बी इंपैक्टेड। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि उसका इंपैक्ट जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे पेपर पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे ना, आप जब एक महीना पढ़ेंगे तो ये जितना भी वहा पो है खत्म हो जाएगा। अब मैं अपना बता दूं, मैं आधा ही घंटा पढ़ता हूं, आधा घंटा हमारे जो है बाथरूम से लगाए रूम तक एक एक पेपर पढ़ा रहता है। मैं जहां जाता हूं वहीं पर पढ़ लेता हूं। अच्छा ये ठीक है। और वहीं पर हमारे जेब में हमेशा पेन रहता है, वहीं पर ऐसे लगाऊंगा टिक ऐसे, और तुरंत आकर अपनी डायरी में उसको नोट करूंगा, पेपर फेंको के काम खत्म हो गया। क्योंकि कटिंग में साल दो साल बाद हमको बेचना पड़ेगा। मैं आपको फोन करके पूछूंगा दो साल के बाद कि जो आपने कटिंग काटा था वो कहाँ है, तो आप यही बोलेंगे सर नहीं टाइम मिलता है, जो काम करना वो कर डालिए। सिलेबस नहीं पढ़े हैं ना आप ऐसे समझिए कि आप लोग जो है जैसे इतना सिलेबस है ना कि आपको समय नहीं मिलेगा। अभी तो मैं देखिए टॉपिक वाइज आपको पढ़ा पढ़ा क्या चीज क्लियर कर रहा हूं कि आपको कोई भी लेख निकलेगा तो आपको वहीं ले आके जोड़ देना है बस, और क्या करना है। और वो भी नहीं जोड़ पाएंगे सब्जेक्ट में तो उसका भी उपाय है, जब अगली बार मेंस दीजिएगा तो कुछ मत करिएगा, आप हमको फोन कर दीजिएगा, लेटेस्ट बैच चलता रहेगा, मैं फोटो स्टेट करके आपको दे दूंगा, खत्म। उसका भी कहानी हमारे पास है, वो सब जोड़ घटा के चलता है। मतलब जब नहीं जोड़ पाए, नहीं पेपर उतना पढ़ पाए, कोई बात नहीं, एक फोन कर लीजिएगा, आपको 100-150 रुपया लगना है बस, फोटो चेक करा के दे दूंगा, ले रिपीट कर लीजिएगा, हो गया। चलिए इसको खत्म करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में लिख दीजिए। क्लोनिंग का विरोध इसलिए करता है, जैसे साइंस में आप लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को जो है यूनिक बनाया है। हम यूनिक हैं, आप यूनिक हैं, वो यूनिक है, सब लोग यूनिक हैं, अलग विशेष है। तो हमारा यदि क्लोन तैयार करेंगे तो यह जो ईश्वरी जो शक्ति है उस ईश्वरी शक्ति का आप जो है एक तरह से देखा जाए तो विरोध कर रहे हैं। जो प्रकृति का जो प्राकृतिक जो शक्ति है, जो प्रकृति हमारी चल रही है, उस प्रकृति में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उस प्रकृति में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए कोई 80 साल का हो जाता है, 85 साल का हो जाता है, तो समझदार व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है देखने के लिए, और डॉक्टर पता लगे गला काट रहा है, यहां से नस निकाल रहा है, यहां से ये जोड़ रहा है, समझदार व्यक्ति क्या बोलता है, मत करिए, घर ले जा रहा हूं सेवा करने। मतलब 80-85 के हो गए, अभी निकलने वाले हैं, इसलिए परेशान मत इनको करिए, इनके शरीर को ज्यादा नुकसान मत पहुंचाइए, ले जा रहा हूं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जो भी 6 महीना साल भर चल जाएंगे ठीक है। 85-90 साल में अब हार्ट का ऑपरेशन करवाने से कोई फायदा है क्या, मतलब है उस व्यक्ति को भी परेशान कर रहे हैं, आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, क्लियर हुआ। इसलिए क्लोनिंग का लोग विरोध करते हैं। अब जैसे देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिख दीजिए। वैज्ञानिक लाभी कहती है कि मानव जीवन की शुरुआत जीव बनने तथा जन्म के बाद होती है, जीव बनने तथा जन्म के बाद होती है, जीव बनने तथा जन्म के बाद होती है। अतः जन्म से पूर्व भ्रूण को मानव नहीं माना जा सकता, जन्म से पूर्व भ्रूण को मानव नहीं माना जा सकता, उसे मानव अधिकार प्राप्त नहीं है। भ्रूण को मानव नहीं माना जा सकता, अतः उसे मानव अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः उसे मानव अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे मानव अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी कारण वैज्ञानिक लाभी गर्भपात का अधिकार
महिलाओं को देने के पक्ष में है, गर्भपात का अधिकार महिलाओं को देने के पक्ष में है, गर्भपात का अधिकार महिलाओं को देने के पक्ष में है, गर्भपात से संबंधित दवाइयों, गर्भपात से संबंधित दवाइयों आब्लिक अन्य प्रक्रियाओं का समर्थन करता है। मूल्यांकन लिख दीजिए। वस्तुतः मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है, वस्तुतः मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है, वस्तुतः मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे स्वीकार किया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे स्वीकार किया है। नहीं, मध्यम मार्ग को, वस्तुतः मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे स्वीकार किया है, मतलब मध्यम मार्ग को स्वीकार किया है, मध्यम मार्ग को स्वीकार किया है। कोर्ट का मानना है कि 4 माह के बाद, कोर्ट का मानना है कि 4 माह के बाद विशेष परिस्थिति में ही, 4 माह के बाद विशेष परिस्थिति में ही गर्भपात कराया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में ही गर्भपात कराया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में ही गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन 4 माह से पूर्व, 4 माह से पूर्व भ्रूण जीव के रूप में नहीं होता, 4 माह से पूर्व भ्रूण जीव के रूप में नहीं होता, अतः गर्भपात में कोई समस्या नहीं है। 4 माह से पूर्व भ्रूण जीव नहीं होता, अतः गर्भपात में कोई समस्या नहीं है। इसी पहलू को यूएन ने भी स्वीकार किया है, इसी पहलू को संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वीकार किया है, इसी पहलू को संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वीकार किया है, इसी पहलू को संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वीकार किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि जन्म के बाद, कि बच्चा जब जन्म ले लिया है तब उसका अधिकार बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यही यूएन ने भी मान लिया। यूएन भी कहता है कि भाई 4 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के, 5 माह के बाद यदि गर्भपात कराएंगे, एक तो महिला के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा नंबर एक, दूसरा चीज कि वो जो है जीव के रूप में हो चुका है, तो ऐसी दशा में आपको जो भी निर्णय करना हो वो 4 महीने से पहले आपको निर्णय करना चाहिए, क्योंकि 4 महीने के बाद अब निर्णय का समय नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई विशेष परिस्थिति है तो चलिए हम आदेश दे सकते हैं, जैसे उस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नहीं गर्भपात करा दिया जाए, 6 महीने पहले जो केस था, तो उसमें जो है वो महिला जो है कुछ उसके साथ गलत हो गया था, कुछ ऐसे हो गया था, तो उस महिला की इच्छा नहीं थी कि ऐसे व्यक्ति का जो है वो हम क्यों बच्चा पालेंगे, जो व्यक्ति जो है आपराधिक किस्म का है, जो दुष्ट है, तो उस महिला का भी तर्क था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, अब इसमें हम लोग का क्या क्या बचा है, अधिकारों का उदारवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत, बस यही सब 2-4 बचा हुआ, अब बहुसंस्कृतिवाद, ये 3 बचा हुआ है। ठीक है, लोक कल्याणकारी के मतलब समाज कल्याण लिखवाया था कल, समाज कल्याण का सिद्धांत वो अलग प्रश्न है, वो प्रश्न अलग है, हमको दिखाई तो कल भी आप पढ़ रहे थे, हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखे आज, तो उसके कारण ये क्वेश्चन आज आ गया, लेकिन उसको मैं अलग से करवा दूंगा, संपत्ति का अधिकार एक लिखवा दूंगा, उसे तो अरस्तु वस्तु सब मिला के ही लिखना है, फिर भी उसको हम लोग कर लेंगे। अब एक काम ये है कि हम लोग का जो क्लास है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा जीएस में भी हम लोग को दिक्कत आ रही है, तो क्लास हम लोग का जो है 10:15 से चलेगा, मतलब 10:30 से पहले शुरू कर देंगे,
और हम लोग का क्लास जो है 1:15 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल आप लोग जो है 10:15-10:20 तक आइए, मतलब 10:30 से पहले शुरू कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि कोर्स भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। और पेपर वाला जो बताया उसको पढ़ना है रोज, सब लोग पढ़िए, अरे कोई एक पेपर पढ़िए, अरे दैनिक जागरण पढ़िए, कोई दिक्कत, राष्ट्रीय संस्करण, कारण घटनाक्रम से आप अवगत रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केवल सब्जेक्ट के लिए नहीं बता रहा हूं, जीएस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना वो बिना पेपर पढ़े लिंक करके पूछता है, फिर आप करंट नहीं जानेंगे, आप जो नहीं था मैं पढ़ा दिया इसको, तो मैं थोड़ा बहुत पेपर पढ़ता रहता हूं तभी तो पढ़ाता हूं। पॉलिटिकल साइंस में कोई टीचर होगा किसी का कॉपी ले आके मुखर्जी में देख लीजिएगा, आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाएगा अभी जो पढ़ाया हूं। हाँ, मानव अधिकार में मानव किसे माना जाए ये कोई पढ़ाने वाला नहीं है, छुएगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, ये आप पूछेंगे तो यही व्यक्ति बोल देगा